finally, before closing the video, I am with one of the key contributors of the MHO group, Varun Ramchandran ji. Yes. Varun Ramchandran ji, मैं महाराष्ट्र में मुंबई में काफी सारे ट्रिप्स करने के बाद में कैमो एडिशन की गाड़ी लेने के बाद में लेह लद्दाख में घूम के आने के बाद में हमारे साथ स्टोरी शेयर करने के लिए बैठे हैं. अभी 15,500 किलोमीटर ऑलरेडी उन्होंने कर लिया, जिसमें से 6,200 किलोमीटर ले लद्दाख की ट्रिप का वो है. अदरवाइज आधा ही था वो. कैमो एडिशन ब्रांड न्यू गाड़ी है. आफ्टर ऑल कितने टाइम हो गया आपको? सो December 25th was when I took the delivery. सो इट इज वन ऑफ द इनिशियल स्टॉक्स ऑफ द कैमो एडिशन कार. तो एक साल भी नहीं हुआ है अभी और 15,500 किलोमीटर ऑलरेडी डन. सो ही हैज बीन हैविंग अ गुड टाइम. बट वरुण भाई, इस गाड़ी को चूज करने के पीछे क्या फैक्टर रहे, कैमो एडिशन चूज करने के पहले क्या फैक्टर रहे, वो बताइए पहले. सो राइट, सो मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ ब्लैक पर्सन, तो मैं हमेशा ब्लैक कार्स लेता हूं. अच्छा, ये वाला क्या हो गया, पुनीत ऑटोमोबाइल्स गए थे, सडनली उन्होंने लाइट ऑन स्टॉक यार्ड, तो लाइट ऑन जैसे ही किया तो देखा तो ये दिख रहा है डार्क. तो आई वॉज हैप्पी दैट इट वॉज नॉट एब्सोल्यूट ग्रीन. सो आई वॉज कन्विंस्ड एंड उस मोमेंट पे मैंने बोला I'm not going for black. I'm going for camo. This time. And the adventure side of me now highlight ho jata. Yeah. Because this actually represents the adventure in me. Yeah. So that's what I explore. I'm an explorer. I explore food. I explore roads. I explore new people, new communities. You're a travel lover. Absolutely. Travel enthusiast. Absolutely. That's how you decided कि आपने को ये camouflage color ले लेना चाहिए. बस. क्योंकि अंधेरे में तो dark लग रही है. Yes. और दिन भर में एकदम शानदार लग रही है. Absolutely. But you do you have to maintain it a lot? To be very honest, polish and all वगैरह. Correct. So to be very honest, because it is dark, greenish है, हाँ, काफी हद तक करनी पड़ती है, especially after long trips. इसीलिए मैंने क्या किया है कि I have put up a regular maintenance for the paint protection. अच्छा. तो I regularly. Kind of an AMC. Kind of external 3M से है. So I go there, they do the basic touch up, they take care of the vehicle. And that's how it stays fine because आज भी जो भी करके आया हूँ काफी लोगों को लगा मैंने सिरेमिक किया, मैंने सिरेमिक नहीं किया है अभी तक. अभी तक तो नहीं किया है, अभी कन्विंस हो रहा हूँ. Yes, paint protection I do that and मेरा 10 piece PPF से covered है because adventure freak हूँ, तो कहीं भी कोई भी लग सकता है. तो self healing वाला TPH होगा. Self healing है. Yes. Perfect, perfect. तो आपको दिक्कत ही नहीं है फिर तो गाड़ी में. मस्त आपकी maintain रहे, बस clean करना है, नलाना धुलाना है और गन्ना करना है, ये अपना रोज का हो गया. देखो वो नहीं करो ना, ये कैमो कैमो नहीं है फिर. कैमो कैमो नहीं है फिर, पहले गंदा करो, एंजॉय करो, कैमो कैमो है, फिर उसको नला दो धुला दो, फिर ये हैरियर है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल विद द लास्ट 15,000 और लेट मी लीव द लास्ट 15,000 किलोमीटर, जस्ट टेल मी द लास्ट 6,000 किलोमीटर हाउ वाज इट. सो माय एक्सपीरियंस हैज बीन फैंटास्टिक. आई हैव कम फ्रॉम अ महिंद्रा टू टाटा. ओह, व्हाट वाज योर प्रीवियस? सो टीयूवी 300 बिकॉज एसयूवी न्यू एंट्रेंस के लिए वही अफोर्डेबल है. या लाइफ गॉट बेटर, आई थॉट आई विल पिक दिस, सो आई पिक दिस. And this has been a fantastic ride because this gives me a combination of adventure, luxury, comfort, as well as absolute comfort and safety. Wow. So, jo safety and road grip, speed, sab kuch mila ke, ek complete package mujhe milta hai, wo isme milta hai. To paisa vasool? Mera to complete paisa vasool hai. I just hope that we get more, as we get out of complete lockdown, I believe we'll get better support from Tata. And that is what I'm looking forward to. Okay, so अभी तक तो मजा आया. बहुत मजा आया. की ट्रिप में भी आपको मजा आया. बहुत मजा आया. लाइट वगैरह लगाना पड़ा आपको? Yes. तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सटर्नल फॉग लैंप्स बिठाया नीचे में. नीचे दो है और ऊपर रूफ बार्स है. बिकॉज लद्दाख में क्या है ना, इट्स वेरी डार्क, यू आर गोइंग टू अननोन टेरिटरीज. सो एक्स्ट्रा लाइट होना जरूरी इसीलिए है बिकॉज यू आर एक्चुअली ड्राइविंग ऑन लैंड. You know, you're not technically driving on road. Ways, yeah. And current situation Ladakh mein hai ki kafi roads chale gaye. You know, there are no roads. Unmaintained bhi. Exactly. So this light actually helped me as well as a lot of co-vehicles with me. So you were leading? The MH team, jo MH ke sab cars hai, hum sab saath mein the. मैं लीड नहीं बोलूंगा बट वी वर ऑल बेसिकली ट्रैवलिंग टुगेदर. व्हाई आई से लीड इज बिकॉज़ यू हैड बेटर लाइट्स, सो इफ यू वर ड्राइविंग इन द डार्क यू मस्ट बी लीडिंग सो दैट पीपल कैन गेट बेटर आईडिया कि ये फॉलो करें इसको तो हम लोगों को अच्छे पाथ मिल जाएंगे. सो डेफिनेटली आई वाज लीडिंग, माय कार वाज, सो दैट एवरीवन कुड ट्रैवल सेफ. एब्सोल्युटली. सो दैट वे दिस लाइट केम वेरी हैंडी. बहुत हैंडी आया, बट मजा डिस्कनेक्ट कर दिया बिकॉज़ इट्स इलीगल. यस. सो एवरीवन रिमेंबर कि डिस्कनेक्ट कर दो बिकॉज़ अगर फिर भी कोई ट्रैफिक हवलदार है कोई पकड़ता है You can clearly prove that मैंने disconnected है because technically by rule you are supposed to put a cover. But इसमें नहीं आता. इसमें मिल नहीं रहा मुझे. Stock में अभी है नहीं.
So I've disconnected so that I can prove that it's not connected. So it's not illegal. You're just carrying it as a carrier. Yes. Right. Now it is safe. So ऐसे लाइट कभी लगाए एडवेंचर के लिए यूज करो Don't use it in cities. सिटी में लगा के कनेक्टेड भी मत रखो वो सिर्फ एक शोपीस है शायद वो कभी निकाल भी दें हाँ जब उनको टाइम मिले बट तो सिटी में नहीं यूज करना इट्स रॉन्ग इट्स अगेंस्ट द रूल्स बिकॉज कोई भी ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है एडवेंचर के लिए इट इज इम्पोर्टेंट वेन यू आर एक्सप्लोरिंग एन अनरूटेड प्लेस जहाँ रोड ही नहीं है आपने भी इसको जाते वक्त ट्रिप में हाईवे पे तो कहीं यूज नहीं नहीं कहीं भी नहीं ट्राई कर लिया होगा चला के बंद कर दिया होगा बट यूजिंग इसका आपने एडवेंचर में किया होगा ट्राई भी नहीं किया ट्राई भी नहीं किया नहीं हमने सिर्फ जहाँ फिक्स गैराज में किया वहाँ ट्राई किया अच्छा वहाँ किया है क्या फिक्स ये मैंने दिल्ली में फिक्स करा दिल्ली में फिक्स किया फिर वहाँ से आगे बढ़े यस तो मैंने करोल बाग में फिक्स किया यस आई हैड अ प्लान इन प्लेस एंड बिकॉज बॉम्बे में ना इट्स नॉट इजीली अवेलेबल Available है तो भी it's the price difference is huge. Absolutely. Every penny saved is every penny earned. Absolutely. तो इसीलिए मेरे को दिल्ली में अच्छा मिला. Plus वो काफी experienced है when it comes to off-road vehicles. तो उधर एक specialist थे उनसे मैंने करवाया. Okay. अच्छा वरुण भाई ये MHO group कब create हुआ? क्योंकि मैं थक ग्रुप बहुत जानता हूँ Correct. टाटा हेयर क्लब जानता हूँ but MHO group was something which I did not know about. Correct. क्योंकि मुंबई लोकल है मैं आया तो नहीं यहाँ पे कभी किसी से मिला भी नहीं प्रशांत भाई के अलावा किसी से टच में भी नहीं राइट सो आई एम क्यूरियस टू नो MHO ग्रुप कब बन गया सो आई विल पुट इट दिस वे पहले एक्चुअली MHO क्रिएट हुआ था एंड पैरेलली दिल्ली में एंड देयर वर कपल ऑफ पीपल ओवर हियर जिनके थ्रू थग्स क्रिएट हुआ सो थग्स आज के तारीख में क्या हो रहा है बिकॉज इट्स अ पैन इंडिया ग्रुप उसको माना जाता है पैन इंडिया मुंबई बेस्ड जो है दैट इज मुंबई ओनर्स जो हैरियर के वो सब MHO के अंडर आते हैं सो सब लोग दोनों तरफ है ऐसा नहीं कि वो अलग ग्रुप है हम सब एक ही है बट इधर के लिए एक आइडेंटिटी है कि हम MHO है सो व्हेनेवर यू गो ऑन अ ड्राइव जस्ट विद द मुंबई हैरियर ओनर्स इट्स MHO इट्स MHO एंड थग एंड व्हेन वी डू अ पैन इंडिया इवेंट वी basically go with thugs so if you see I have thugs as well as I have MHO multi-character t-shirt and this was the Ladakh expedition we did which we are very proud of wonderful MHO cares ki baat karu so what happened is ye sare groups mein aapko bhi aadat hogi ki time pass bahut hoti hai so lot of members were concerned ki sirf gaadi ka conversation hona chahiye that's when we made a group which was called actually MHO TP matlab time pass udhar time pass karte hue humne किसी ने तो एक अनिका बोल के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारे तो शी हैड पुट अ वीडियो जहां उनके भाई के एक आउटलेट है फूड आउटलेट उधर से उन्होंने बहुत सारे बच्चों को और नीडी लोगों को खाना खिलाया हमने बोला हम क्यों नहीं करें दैट डे ये जो एक्सट्रीमिस्ट है जो टाइम पास बकवास करते थे ग्रुप में हमने कहा ये ग्रुप दो चीज के लिए वैलिड होगा एक टाइम पास और बकवास दूसरा हम जेन्युइनली लेट्स हेल्प द सोसाइटी ट्रस्ट मी इन वन गो Each and every member contributed. आज हमने almost 1,500 needy लोगों को खाना खिलाया हमने एटलीस्ट 30 होम्स को फ्लड्स में हेल्प किया है विद फूड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सपोर्टेड किड्स फॉर एजुकेशन विद देयर फीस फॉर वन ईयर एंड जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जो एडल्ट में चले जाते हैं उनको कोई एनजीओ सपोर्ट नहीं करता एनजीओ इन सेंस गवर्नमेंट एड नहीं मिलता उनको हमने उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैलेंस इन लाइफ हमने उनको शूज फूड एंड काफी एमिनिटीज के साथ प्रोवाइड किया करजत में सो दिस ऑल हैज कम अंडर MHO केयर्स एंड दैट्स हाउ MHO केयर केम आउट ऑफ टाइम पास Which becomes a very serious part of MHO. Contribution हो गया yes, तो. Yes, yes. Time pass से शुरू करके contributors कब बन गए पता भी नहीं चला but yes. that had you had a vision. Yes, तो basic funda है हम हंसते खेलते लोगों की help करते हैं. बहुत सही तो इस तरह से MHO की शुरुआत हुई और अब बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गए and now people know them for their good work and this is a very good message to everybody who is watching the video. अगर आप उस काबिल हैं कि आप किसी की मदद कर सके तो हमेशा आगे आए और करें हम सब मदद करने के लिए आगे आते हैं somehow छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे जिसका जैसे अफोर्डेबिलिटी है आप भी अपने काबिलियत के हिसाब से कभी ना कभी किसी ना किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें एंड हो सके तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हम क्या करते हैं सो इट इज MHO केयर्स जो हैंडल है @MHO Cares Instagram पे और MHO पर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है प्लीज गो इवन यू कैन बी पार्ट ऑफ इट हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है एनीवन कैन कम एंड से दैट यू वांट टू हेल्प एंड बी पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू ऑल बिकॉज अच्छे काम करने के लिए कोई हैरियर ओनर होना जरूरी नहीं अच्छा इंसान होना जरूरी है एंड वी आर ओपन इंटेंशन होना जरूरी है एब्सोल्युटली
सही इंटेंशन सही रास्ते में लेके जाएगा सब. सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर नाउ. हम एक छोटी सी ड्राइव जाएगी हैरियर ओनर्स की हमारे साथ में, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे. वरुण भाई के साथ में बात करके बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें जानने को मिली, एमएचओ को और अच्छे समझने का मौका मुझे मिला. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वरुण भाई ने इतना टाइम दिया हमें. थैंक यू सो मच वरुण भाई. आई एम वेरी हैप्पी. आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी वीडियो ऑफ योर्स. अच्छा यू डू वॉच. हम देखते हैं प्रशांत काफी टाइम से बोलते हैं हम लोग को और हमको बहुत मजा आता है. Really? And we are so happy that you're covering us now. Please, and more members come in. We'll be more than happy to accommodate. जितने हैरियर ओनर्स हैं जिनको नहीं पता ऐसे ग्रुप्स हैं, please call us. Nick will be the person to lead you to us and we'll be more than happy to join you. मैं तो MHO group और Thug group की सारी links description दी है. आप अगर मुंबई से हो MHO को भी contact करो. आप all India में कहीं से भी हो Thug group को भी contact करो. सारी links description में दी है. Nick Singh, thank you. Thank you.